मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत आप लोगों के मन में भरी हुई है केजरीवाल को लेकर? क्या करना चाहते हैं आप? कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? कब तसल्ली मिलेगी आप लोगों को? कब शांति मिलेगी? एक आदमी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, जन समर्थन के लिए जा रहे हैं, आपसे कोई काम होता नहीं? 27 साल से आप लोग हार रहे हैं दिल्ली में, 3-3 बार केजरीवाल से हार चुके आप, तो अब आपने ये रास्ता चुना है कि बस केजरीवाल को खत्म कर दो। अब चुनाव तो जीत नहीं सकते केजरीवाल से, अब इनको ही खत्म कर दो, जेल में डालो, इंसुलिन ना दो, किसी भी तरीके से इस आदमी को खत्म करो, वहां नहीं बसता है तो अपने गुंडों से पिटवा दो, अपने गुंडों से हमला करवा दो। कल जो कुछ भी विकासपुरी में हुआ और जिस तरह से पुलिस की मिली भगत सामने आ रही है, ये साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये गहरा षड्यंत्र था अरविंद केजरीवाल को जान से मारने का, उनके साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, उनकी जान के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के लोग बन चुके हैं। एक व्यक्ति है ये रोहित सहरावत, ये रोहित सहरावत भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, ये हमले में शामिल था, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दूसरा व्यक्ति है अरुण ध्राल, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का महासचिव है, उसका भी मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल दिखा देता हूं, अरुण ध्राल। और ये जो रोहित सहरावत जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ आप इसको देख सकते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बीजेपी के पदाधिकारी की फोटो है, जो कल केजरीवाल पर हुए षड्यंत्र का, हमले के षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।